बक्सर जिले में मानसून के सक्रिय होते ही वर्षा में तेजी आ गई है। बीते तीन दिनों से बक्सर में अलग अलग स्थानों पर रुक रुक कर वर्षा होने से मौसम सामान्य बना हुआ है। इसके प्रभाव से अधिकतम तापमान भी सामान्य से नीचे आ गया है। शुक्रवार को बक्सर के अधिकतम तापमान में 4.1 डिग्री गिरावट के साथ 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर तक बक्सर में छिटपुट वर्षा की संभावना है। अगले 24 घंटे के दौरान बक्सर में तेज वर्षा के आसार है। वहीं बक्सर जिले में भारी वर्षा को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। बीते 24 घंटे के दौरान बक्सर के चौसा में सर्वाधिक वर्षा 80.2 मिमी दर्ज किया गया है, जबकि शहर में 34.1 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। शुक्रवार को जिले में रुक रुक कर बूंदाबांदी होने से मौसम सामान्य बना रहा, लेकिन अब अगला 72 घंटा लोगों पर भारी पड़ने वाला है। दरअसल भारी बारिश के चलते एक बार फिर से नदियों में उफान आ सकता है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की अपील की गई है। बता दें कि बक्सर में बाढ़ से कई गांव में बुरा हाल बना हुआ है। कई लोगों के घर नदी में बह गए। कुछ लोगों को अब खाने के लिए सरकारी मदद के भरोसे रहना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लोकल 18। बारिश है जो कौ दिन से होता है? आज 2 दिन से होता। रात में कल बारिश होते रहे? बूंदाबांदी। सुबह में भी बूंदाबांदी हुआ। एकरा से बारिश से किसानी में क्या दिक्कत होता है? कुछ दिक्कत नहीं क्या होता है, चका चौक बा भैया। हाँ, धान उनके क्या है एकरा से बारिश से? बारिश से खूब फायदा भइल बा न। अच्छा, ये और कोनो फसल खातिन और का है ना भैया? अरहर जोनरी खातिन जितना कुल बाढ़ आई रहा धोवा गई, कुछ अब देखत रहले है ना कैसन निमन हो गई। अब बाढ़ के पानी कुछ कम भइल बा? बाढ़ के पानी बहुत कम भइल बा भैया। राउर नाम भरत जी।